तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। मौजूद नाजरीन ग्रामी पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर हथियार डिलीवर करने के लिए वैसे तो बहुत से ऐसे सोर्सेज मौजूद हैं जिन पर ना सिर्फ पाकिस्तान को भरोसा है बल्कि दुनिया भी पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियारों से ज्यादा पाकिस्तान के न्यूक्लियर डिलीवरी सिस्टम को दुनिया के लिए ज्यादा खतरनाक करार दे रही है। पाकिस्तान के न्यूक्लियर वारहेड को डिलीवर करने के लिए अगरचे बुनियादी तौर पर पाकिस्तान के पास बहुत से ऐसे सोर्सेज मौजूद हैं और पाकिस्तान की आर्मीड फोर के पास मुख्तलिफ किस्म के और मुख्तलिफ रेंज के मिसाइल मौजूद हैं जिनके जरिए पाकिस्तान दुश्मन पर एटमी वारहेड को फेंक सकता है। लेकिन इन सब के अलावा दुश्मन के टारगेट पर अगर कभी न्यूक्लियर बम गिराना पड़ जाए तो पाकिस्तानी एयरफोर्स के पास कुछ ऐसे एयरक्राफ्ट भी मौजूद हैं जो कि ना सिर्फ 50 साल पुराने हैं बल्कि दुनिया भर की एयरफोर्स ऐसे एयरक्राफ्ट को रिटायर्ड भी कर रही है। लेकिन पाकिस्तान इनको दुनिया भर के ऐसे मुमालिक से हासिल कर रहा है जो कि इनको रिटायर्ड कर रहे थे बल्कि इन रिटायर्ड एयरक्राफ्ट को पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियारों को डिलीवर करने के लिए मॉडिफाई भी किया जा रहा है। यही वजह है कि दुनिया पाकिस्तान एयरफोर्स के इन पुराने एयरक्राफ्ट को लेकर पाकिस्तान के मिसाइलों से भी ज्यादा परेशान थी। पाकिस्तानी एयरफोर्स में शामिल ये एयरक्राफ्ट कौन से हैं और क्या वाकई ये पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन को कैरी करने की सलाहियत रखते हैं? आज के इस अहम वीडियो में हम इन्हीं तमाम मौजूदात से मुतल्लिक आपको आगाह करने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ हस्बे रवायत चैनल पर नए आने वाले तमाम दोस्तों से इल्तमास है तो सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मौसूल होती रहे। तो आइए नाजरीन चलकर आज के इस अहम और दिलचस्प मौजू का आगाज करते हैं। मौजूद नाजरीन ग्रामी पाकिस्तानी एयरफोर्स में शामिल ऐसे एयरक्राफ्ट जो कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियारों को पाकिस्तान के मिसाइलों से भी ज्यादा बेहतर अंदाज में डिलीवर करने की सलाहियत रखते हैं। पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियारों से मुतल्लिक अगरचे रिपोर्ट आती जाती हैं और अंदाजे लगाए जाते हैं कि पाकिस्तान के पास इस वक्त एग्जैक्ट कितने न्यूक्लियर वेपन मौजूद हैं, लेकिन शायद दुनिया का कोई भी ऐसा मुल्क या फिर खुफिया एजेंसी नहीं जो पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियारों से मुतल्लिक सही अंदाजा लगा पाई हो। इन्हीं अंदाजों को अगर देखा जाए और मुख्तलिफ रिपोर्ट जो अब तक पेश की जाती रहीं उनके मुताबिक पाकिस्तान के पास 150 से 160 के दरमियान इस वक्त न्यूक्लियर हथियार मौजूद हैं और इन न्यूक्लियर हथियारों को दुश्मन के टारगेट तक डिलीवर करने के लिए पाकिस्तानी एयरफोर्स के पास 50 साल ऐसे एयरक्राफ्ट हैं जिनको पाकिस्तानी एयरफोर्स की तरफ से ना सिर्फ मॉडिफाई किया गया बल्कि अब ये पुराने एयरक्राफ्ट पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियारों को भी आसानी के साथ डिलीवर करने की सलाहियत रखते हैं। कुछ साल पहले चंद एक इंटरनेशनल रिपोर्ट में ये कहा गया कि पाकिस्तानी एयरफोर्स ने अपने F-16 को न्यूक्लियर हथियार डिलीवर करने के लिए मॉडिफाई कर लिया है। इंटरनेशनल रिपोर्ट में ये भी पेश हो चुका है कि पाकिस्तान आर्मी के पास बहुत से ऐसे मिसाइल लॉन्चर मौजूद हैं जो कि न्यूक्लियर हथियारों को डिलीवर करने की सलाहियत रखते हैं। लेकिन पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियारों को लेकर दुनिया को जो सबसे बड़ा खतरा है वो है पाकिस्तानी एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट। इस सब की वजह ये है कि किसी भी मिसाइल को न्यूक्लियर वेपन के साथ लॉन्च करने के लिए एक लंबे प्रोसीजर और ज्यादा टाइम की जरूरत होती है जबकि एयरफोर्स का एक एयरक्राफ्ट महदूद वक्त में किसी भी न्यूक्लियर हथियार को लेकर परवाज भर सकता है और जितनी देर में एक मिसाइल को न्यूक्लियर वारहेड के साथ लॉन्च करने के लिए तैयार किया जाता है उतनी देर में किसी भी एयरफोर्स का एयरक्राफ्ट न्यूक्लियर बम गिराकर वापस बेस पर पहुंचने की सलाहियत भी रखता है। इस वक्त ना सिर्फ पाकिस्तानी एयरफोर्स में शामिल ऐसे F-16 एयरक्राफ्ट मौजूद हैं जिनको पाकिस्तान की तरफ से न्यूक्लियर वेपन को डिलीवर करने के लिए मॉडिफाई किया गया बल्कि इसके साथ साथ अब दुनिया पाकिस्तान के 50 साल पुराने मिराज 3 और मिराज 5 एयरक्राफ्ट को भी लेकर परेशानी में मुब्तिला है। माहिरीन को पहले ये समझ नहीं आ रही थी कि पाकिस्तानी एयरफोर्स दुनिया भर की एयरफोर्स से रिटायर्ड होने वाले मिराज एयरक्राफ्ट क्यों हासिल कर रही है अगरचे इन पुराने तैयारों के पाकिस्तानी एयरफोर्स में शामिल होने के हवाले से बहुत से जवाब और बहुत सी ऐसी वजूहात भी बताई गई जिनकी वजह से पाकिस्तानी एयरफोर्स इन पुराने एयरक्राफ्ट को ऑपरेट कर रही है। लेकिन इन सब के अलावा एक ऐसी वजह भी मौजूद है जो इन एयरक्राफ्ट को दुश्मन के लिए और भी ज्यादा खतरनाक बनाती है और वो वजह ये है कि पाकिस्तान के मिराज 3 और मिराज 5 एयरक्राफ्ट ना सिर्फ न्यूक्लियर वेपन कैरी करने की सलाहियत रखते हैं बल्कि ये एयरक्राफ्ट पाकिस्तानी एयरफोर्स में शामिल किसी भी एयरक्राफ्ट से ज्यादा दुश्मन के डीप एरियाज में स्ट्राइक करने की सलाहियत रखते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी एयरफोर्स में इस वक्त 100 के करीब ऐसे 50 साल पुराने एयरक्राफ्ट्स मौजूद हैं
जो कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियारों को डिलीवर करने की सलाहियत रखते हैं, जबकि 40 से ज्यादा ऐसे F-16 हैं जिनको पाकिस्तानी एयरफोर्स की जानिब से अपने न्यूक्लियर हथियारों के लिए मॉडिफाई किया है, और बाकी फ्रंट मिराज एयरक्राफ्ट हैं जो कि बड़ी तादाद में सिर्फ पाकिस्तानी एयरफोर्स में शामिल हैं। इसके साथ साथ पाकिस्तान में तैयार किया गया JF-17 थंडर भी किसी भी किस्म के न्यूक्लियर वारहेड को कैरी करने की सलाहियत रखता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान जिस तेज रफ्तारी के साथ अपने न्यूक्लियर स्टॉक में इजाफा कर रहा है, इस सब को देखते हुए इस बात में कोई शक नहीं कि आइंदा 10 सालों बाद पाकिस्तान के पास 350 के करीब न्यूक्लियर मिसाइल मौजूद होंगे, और अगर वाकई 10 साल बाद पाकिस्तान के पास इतनी बड़ी तादाद में न्यूक्लियर वारहेड मौजूद हुए तो फिर पाकिस्तान दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा मुल्क बन जाएगा जिसके पास सबसे ज्यादा न्यूक्लियर हथियार मौजूद होंगे। पाकिस्तान न सिर्फ अपने न्यूक्लियर हथियारों की तादाद को बढ़ाने में मसरूफ है, बल्कि इसके साथ साथ पाकिस्तान की तरफ से अपने वेपन को हर तरह के प्लेटफॉर्म से लॉन्च करने की तैयारियां भी की जा रही हैं। आप सब दोस्त जानते हैं कि पाकिस्तान न्यूक्लियर हथियारों को पाकिस्तान की आर्मिड फोर्सेस तीनों प्लेटफॉर्म से लॉन्च करने की सलाहियत रखती हैं। लेकिन इस वक्त दुनिया के लिए जो सबसे बड़ी परेशानी की बात है वो ये है कि पाकिस्तानी एयरफोर्स में शामिल मिराज एयरक्राफ्ट जो कि बड़ी तादाद में पाकिस्तानी एयरफोर्स में शामिल हैं वो इन न्यूक्लियर वेपन को डिलीवर करने की सलाहियत रखते हैं। याद रहे कि अभी पिछले साल ही पाकिस्तान की तरफ से इजिप्ट से 36 अदद पुराने मिराज एयरक्राफ्ट को खरीदा गया था, और खबरों के मुताबिक ये एयरक्राफ्ट पाकिस्तान को डिलीवर होना शुरू हो चुके हैं। यही वजह है कि इन पुराने एयरक्राफ्ट की दूसरे ममालिक से पाकिस्तानी एयरफोर्स में शमूलियत इस वक्त दुनिया और खास तौर पर भारत को शदीद परेशान कर रही है। अगरचे पाकिस्तानी एयरफोर्स में शामिल ये पुराने एयरक्राफ्ट दुश्मन पर रिवायती हमलों के लिए भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं, लेकिन अब पाकिस्तान के दुश्मन ममालिक पर पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियारों का इतना खौफ बढ़ चुका है कि पाकिस्तानी एयरफोर्स हो या फिर पाकिस्तान आर्मी, इनके पास हर वो चीज है जो कि न्यूक्लियर हथियार डिलीवर करने की सलाहियत रखती है। इन एयरक्राफ्ट को सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियर डिलीवरी सिस्टम के तौर पर ही देखा जा रहा है। पाकिस्तानी एयरफोर्स में शामिल पुराने मिराज एयरक्राफ्ट की स्पेसिफिकेशन अगरचे वही बताई जा रही है जो कि फ्रांस से 50 साल पहले हासिल करते वक्त इन त्यारों की खसूसियात थी, मगर पाकिस्तानी एयरफोर्स की जानिब से जब से इन एयरक्राफ्ट को रीबिल्ड करने के लिए पाकिस्तान में इन त्यारों की तैयारी का अमल शुरू किया गया तो दुनिया पाकिस्तान के इस एयरक्राफ्ट की स्पेसिफिकेशन से महरूम है। पाकिस्तानी एयरफोर्स में शामिल मिराज 1990 के बाद कितने खतरनाक हो चुके हैं ये इस वक्त कोई भी नहीं जानता। बहुत से ऐसे ममालिक की तरफ से ये कहा गया कि पाकिस्तानी एयरफोर्स के ये पुराने एयरक्राफ्ट पाकिस्तानी एयरफोर्स ने जदीद तकाजों के मुताबिक ना सिर्फ मॉडिफाई किए हैं बल्कि इनके साथ साथ इनकी चंद एक सलाहियतों को इस तरह से बढ़ाया है कि अब ये एयरक्राफ्ट किसी भी मॉडर्न एयरक्राफ्ट का मुकाबला करने की सलाहियत रखते हैं। पाकिस्तानी एयरफोर्स में शामिल इन एयरक्राफ्ट को खास तौर पर सरप्राइज एयरक्राफ्ट कहा जाता है। यही वजह है कि इनको पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियारों से जोड़ा जा रहा है। इस बात में कोई शक नहीं कि अगर पाकिस्तान की सलामती को कभी कोई खतरात लाहक हुए तो पाकिस्तान की तरफ से अपने इस खतरनाक तरीन हथियार को इस्तेमाल में लाया जाएगा जो कि पाकिस्तान के पास मौजूद है। अब पाकिस्तान इनको रवायती हथियार गिराने के लिए इस्तेमाल करता है या फिर न्यूक्लियर हथियार गिराने के लिए, इसका फैसला पाकिस्तान ने ही करना है, ना कि दुनिया ने।